क्या हम गाड़ी लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, मैं बताती हूँ आपको कि फोर व्हीलर लेने वाले हैं कि नहीं। ठीक है। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ मैं शाम से अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है। और यहाँ पे हो रही है बहुत ज़ोरों की बारिश और मिस्टर जी को खाने का मन है। ये प्याज की पकौड़ी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए। ठीक है। और सुबह से हम लोगों ने सिर्फ डोसा और इडली खाया था और शाम के समय 4:30 बज रहे हैं, 4:45। ठीक है। तो मिस्टर जी को भूख लगी थी, मैं कब से पूछ रही थी क्या खाओगे क्या खाओगे, क्या बना दूँ, लंच भी नहीं बनाई हूँ। तो बोले नहीं, मुझे आज पकौड़ी खाने का मन है प्याज का, बना दूँ वो। तो मैं बोली बारिश भी हो रहा है, बना ही देती हूँ, बारिश होता है तो सोने सुहागा हो जाता है। उधर उबल रहा है मेरा दूध, अभी बनाऊंगी मैं चाय। और ये देखिए मेरी पकौड़ी रेडी होने वाली है। इसको निकाल के इतना एक बार और बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तो है नहीं, हम चार लोग हैं और बच्चे कितना खाएंगे, दो दो तीन तीन खाएंगे। और मैं थोड़ा सा वैसे इतना में तो हो जाता क्योंकि तीन चार से ज़्यादा कोई नहीं खाता, बट मेरी काम वाली है अम्मा ना, उनके लिए भी थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ। तो उसके लिए शाम को आएंगी ना बर्तन साफ़ करने, तो मैं उनको थोड़ा सा दूंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ। ठीक है। तो मेरी पकौड़ी पक गई है, मैं इसको निकाल रही हूँ। निकाल के पहले मैं मिस्टर जी को दूंगी एंड उसके बाद फिर मैं दूसरा घान डालूंगी क्योंकि मिस्टर जी को गरम गरम चीज़ें बहुत पसंद है। इडली भी खाते हैं तो वो भी गर्मा गर्म ही खाते हैं। ठीक है। तो आप लोग बताइए कि किस किस लोगों को पकौड़ी प्याज की पसंद है। आर्या बोल रही है मुझे आलू की पकौड़ी बना दो, पीछे से चिल्ला रही है। तो मैं आवाज़ नहीं दे रही हूँ, कब से चिल्ला रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ छोटी सी एक आलू काट के उसके लिए बनाई देती हूँ। तो मैं बना दूंगी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेहंदी थोड़ी थोड़ी छूटने लगी। ठीक है। तो फिर से मेहंदी लगाऊंगी। और यही सब है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे 6 बजने वाले हैं। ठीक है। और शाम को आज ब्लॉग शुरू किया है, देखो कब तक एंड होता है ब्लॉग का, एंड जा रही हूँ घूमने। ठीक है। ऐसे ही बस थोड़ा सा सब्जी उब्जी लाना है और घूम के फिर आना है क्योंकि आरओ को मन है घूमने का। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तो बहुत सी। रिकमेंड जरूर कीजिएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ और बारिश हुआ है। ठीक है। तो देखती हूँ क्या है कैसे है, मिलती हूँ मैं आप लोगों से रास्ते में। तो बाय बाय। सो गए, घूमते घूमते पहुंच गए मारुति सुजुकी में। और यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं फोर व्हीलर।
मिस्टर जी बोल रहे हैं लेने के लिए, कब से सोच रहे थे लेने के लिए, बट अब बोल रहे हैं कि फाइनल लूँगा। तो हम लोग चेक करना है, मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी, बट इसमें थोड़ी सी कलर की प्रॉब्लम है। मुझे कलर वाइट कलर कम पसंद आता है, मुझे रेड कलर या ब्लू कलर अच्छा लगता है। तो मिस्टर जी से मैं बोली कि गाड़ी तो अच्छी है बट इसका कलर पता लगाओ, अगर दूसरा कलर होगा फिर लेना। और बच्चों को भी ये गाड़ी अच्छी लगी, ठीक है। तो हम लोगों के लिए काफ़ी है, और 25-30 लाख लेने, 25-30 लाख की फोर व्हीलर लेने की औकात नहीं है। तो बोलते हैं ना, जितना चादर रहे उतना ही पैर पसारो। तो मिस्टर जी बड़ी वाली गाड़ी बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं यही ले लो, यही बहुत है हम लोगों के लिए। तो देख ली, अब जा रहे हैं नीचे, और यहाँ पे मिस्टर जी कुछ समझ रहे हैं अपना उनसे कि क्या है कैसे वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अब यहाँ से चलना है सीधे सब्जी लाने, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया है, मुहूर्त देख रहे हैं किस मुहूर्त में लेना, वही पूछ रहे थे कब अच्छा मुहूर्त है। तो मैंने कहा कि घर पे पूछ लो कब अच्छा मुहूर्त है, तो उसी मुहूर्त में ले लो। और ये है सब्जी, देखिए यहाँ पे मिल रही है। तो मुझे बड़ा वाला बैंगन लेना है, ठीक है। तो मैं बड़ा वाला बैंगन ले लेती हूँ, और वैरायटी सब्जी की तो काफ़ी है, बट मुझे इतना सब्जी बनाना नहीं है, मैं इतना नहीं बना, मतलब खाते ही नहीं मिस्टर जी। हफ्ते में बहुत ज़्यादा सब्जी खाएंगे तो 3-4 वैरायटी खाएंगे। जैसे मैंने गोभी ले लिया, तो यही सब है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, कल हम लोग गए थे ऐसे घूमने गए थे, घूमते घूमते मिस्टर जी लेके चले गए फोर व्हीलर देखने। अभी लेने का प्लान बन रहा है फोर व्हीलर, देखो कब लेते हैं। तो बोले एक बार चेक कर लेता हूँ, और कौन सा लेना है, क्या बोले, डिज़ायर। दो गाड़ी हम लोगों ने देखा तो मुझे एक गाड़ी पसंद आया, तो मैंने कहा ये अच्छा है, कलर वाइट कलर था। तो अभी तो नहीं लेना है, मुहूर्त देख के लेंगे हम लोग गाड़ी, क्योंकि हर चीज़ हम लोग मुहूर्त देख के लेते हैं। हम लोग क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुहूर्त देख के लेते हैं, ठीक है। तो वही देखने चले गए थे, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो वहाँ पे नहीं शूट किया। फिर वहाँ से आने के बाद फिर सब्जी हम लोग नहीं लिए थे। कल सुबह भी इतना बारिश हो रहा था, सुबह से लेके शाम तक जब हम लोग निकले तो वही बारिश जस्ट बंद हुआ था तभी हम लोग निकले थे। तो अभी तो देखते हैं कब लेना है, जो भी रहेगा जैसा रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं, ठीक है। तो कल मैंने अपना ब्लॉग नहीं ख़त्म कर पाई थी क्योंकि सब्जी लेकर आई, सब्जी बच्चों को दी, उसके बाद हम लोग चले गए थे, कुछ काम था तो वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद बहुत लेट हो गया, तो खाना वाना बनाना ये वो में टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, मैं अपने ब्लॉग का एंडिंग भी कर देती हूँ। और सुबह के समय 6 बज रहे हैं, और चल रही हूँ मैं खाना बनाने। आज बना रही हूँ बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए आलू का पराठा। मिस्टर जी बोले मुझे चाहिए दाल चावल और सब्जी, तो पहले बच्चों को दे देती हूँ खाना, फिर चले जाते हैं। फिर मैं देखती हूँ क्या बनाना है, मतलब तो सब्जी क्या बनाना है, सब्जी क्या बनाना है, दाल चावल तो पता है, तो यही सब है। और आप लोग बताइए कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और कमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंडिंग करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।